बुलेटिन का आगाज करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी तो जो पूछगिछ हो रही है और यह पूछगिछ हाले भी जारी है। दस कि ईडी वालों तकरीबन एक घंटे तो पूछगिछ की जा रही है। इस तो पहला भी दो घंटे की पूछगिछ हो चुकी है। तो हुन आज एक बार फिर तो सद्या गया ईडी वालों जिथे कि एक घंटा हो चुका है तकरीबन जो कि ईडी के सामने पेश होए सोनिया गांधी उन्होंने तो सवाल जवाब हो रहे हैं। पूछगिछ के विरोध कांग्रेस वालों मुजहरा किया जा रहा है। पुलिस ने कई कांग्रेसियों इस मौके से हिरासत भी लिया। दिल्ली के विजय चौक में मुजहरा करते राहुल गांधी को भी हिरासत दे विच लिया गया। दस दी कि जो तस्वीर नजर आ रही है जिथे कांग्रेसी वर्कर लगातार सरकार की इस कार्रवाई को लेकर विरोध जाहिर करते नजर आए ने। सरकार ते केंद्र सरकार ते बदलाखोरी की नीयत नाल कार्रवाई का इल्जाम लगाए ने। तो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी तो पूछ के जा रही है। तकरीबन एक घंटा हो चुका है। इस तो पहला भी कुछ दिन पहला ईडी के सामने पेश होए सन सोनिया गांधी जो तकरीबन दो घंटे उन्होंने तो सवाल जवाब होए सन और एक बार फिर आज पेश होए ने। और इस मौके पर तमाम जोड़े कांग्रेसी वर्कर ने देश भर में उन्होंने प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। तो एक पासे दिल्ली की तस्वीर जिथे वर्करा वालों इतने मुजहरा किया गया और कई कांग्रेसियों इस मौके पर हिरासत लिया गया। उसे दिल्ली के विजय चौंक में मुजहरा करते राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया। तो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी तो पूछगिछ लगातार जारी है जिथे कांग्रेसी आगुआ ते वर्करा वालों केंद्र ते बदलाखोरी की सियासत तहत एक कार्रवाई करने के इल्जाम लग रहे ने। यहाँ पे सारे सांसद आए हाँ और उन्होंने महंगाई की बात की हाँ और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हाँ अंदर बातें करी जा रही है डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते संसद में अपनी बात नहीं कह सकते जो स्थितियाँ बनी हुई उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है हिंदुस्तान की स्थिति है पुलिस स्टेट है वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है पुलिस स्टेट है सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा ऐसी स्थिति में ये आप मुझे बताइए। मेरा कभी काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर क्या आप डिटेल होंगे या तो जिथे सोनिया गांधी तो पूछगिछ ईडी वालों की जा रही है। पुलिस ने कई कांग्रेसियों हिरासत लिया। दिल्ली के विजय चौंक च मुजहरा करते राहुल गांधी भी हिरासत लिया गया। हरप्रीत बंदेशा तो अपडेट लेने हरप्रीत इस वेले की कुछ माहौल है जिस नाल कई कांग्रेसियों और राहुल गांधी भी जड़ा है हिरासत च ले जाने की खबर है? जी बिल्कुल देखो कांग्रेस जिस तरीके दे नाल प्रदर्शन कर रही थी लेकिन जिहड़ा ये राहुल गांधी ने जिहड़ा हिरासत लिया गया उन्होंने हिरासत लैण दी वजह सी कांग्रेस दे एमपी जिहड़े ने काफी सारे वो पार्लियामेंट तो बाहर आए विजय चौक दे वल तो राष्ट्रपति भवन वल मार्च करना जा रहे थे। उन्होंने कहना है कि महंगाई नूं लैके असीं गल करनी चाह रहे हैं लेकिन ना तो सानू संसद दे अंदर गल करन दित्ती जा रही है जेकर असीं संसद दे बाहर आके गल कर रहे हैं तो इतने भी पुलिस सानू डिटेन कर रही है। राहुल गांधी का बयान सी विजय चौक से तो उत्तों बाद राहुल गांधी एक बस से उत्तों डिटेन करके ले जाया गया। अभी तक जानकारी नहीं मिली कि राहुल गांधी को कितने लेके जाया गया। इसको अलावा बहुत सारे सांसद जिहड़े ने मैंबर पार्लियामेंट ने उन्होंने भी हिरासत लिया गया। गौरतलब है कि आज सोनिया गांधी को दोबारा तो ईडी जी पूछगिछ कर रही है। सवेर तो ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर गहमा गहमी देखने को मिल रही थी। बहुत सारे नेता उत्थे पहुंचे जिन्हों से अशोक गहलोत जिहड़े कि कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वो भी उत्थे मौजूद सन। इस अलावा होर जी लीडरशिप मौजूद है। लगातार जी कांग्रेस है वो इस मुद्दे से पूरे देश भर के प्रदर्शन कर रही है। जिला स्तर से ब्लाक लेवल से भी प्रदर्शन होंदे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार यह गल कह रही है कि जिन्हें गलत नहीं किया डरन की लड़ नहीं सच सब के सामने आना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर कांग्रेस इस पर बार कर रही कि जी डर नहीं रहे लेकिन सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है एजेंसियों का गांधी परिवार को डर लिए कहा जा रहा है कि जिहड़ा कांग्रेस पार्टी के लीडर ने वो सरकार के खिलाफ आवाज खड़ी कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा चुक रहे हैं इस करके इस परिवार को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी बाहर आए उन्होंने कहना कि इन्फ्लेशन से गल करना चाह रहे हैं लेकिन गल नहीं कर दी जा रही इसे चल रहे लोग बाहर निकले तो हम इतने भी पुलिस सानू राष्ट्रपति भवन वाल मार्च नहीं कर दी जा रही। उस तो बाद राहुल गांधी को हिरासत च लिया गया तो उन्होंने बस ले जाया गया इतों बाकी कुछ सांसद जिहड़े ने कांग्रेस के उन्होंने भी हिरासत लिया गया। बिल्कुल और कितने ना कितने एक माहौल जरूर बनाया जा रहा है जो कि जिस तरह ईडी वालों पूछगिछ की जा रही है। इस तो पहला राहुल गांधी तो भी कई दिन तक कई कई घंटिया तक पूछगिछ हुई थी और बीजेपी का यही कहना है कि जे कुछ गड़बड़ नहीं की थी है तो फिर सब कुछ जरा सामने आ जाएगा। अजय विचकार जिस तरह हूं केंद्र सरकार को घेरन की कोशिश है एक माहौल बनाने की जरूर कोशिश हो रही है कांग्रेस वालों।
जी बिल्कुल देखो जिस तरीके दे नाल ये पूरा मामला हो रहा है इसमें कांग्रेस जी पॉलिटिकल वेंडेटा कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस मामले के उत्ते राजनीति की जा रही है, इस मामले नू पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, एजेंसियां जिहड़ियां ने उन्हां दा इस्तेमाल सरकार गलत कर रही है। उत्थे ही संबित पात्रा जो कि अज जदों गल कर रहे सन प्रेस दे नाल सवेरे रायपुर दे विच, उन्हां दा कहना सी कि नेशनल हेरल्ड केस दे विच सोनिया गांधी जिहड़े ने पहुंचे ने सरकार कांग्रेस को मुद्दों की कमी है, इस करके वो एहो जे मुद्दों को सामने लिया के सरकार दा ते लोकां दे खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि लगातार जिस तरीके दे नाल सरकार ईडी वालों कांग्रेस के लीडरों को पूछगिछ की जा रही, चाहे राहुल गांधी होने या सोनिया गांधी, उसमें लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरन की कोशिश कर रही है। लगातार यह गल कही जा रही है कि सरकार बेजा इस्तेमाल कर रही है एजेंसियों का। सरकार वालों भाजपा वालों अज जो संबित पात्रा है उस तो पहले रविशंकर प्रसाद भी सामने आए, तो उन्होंने कहना कि सच सामने आना चाहिए से, इसे करके जांच चल रही है, एजेंसियों से बेजा दबाव नहीं पाना चाहिए। हम देखना होगा कि कांग्रेस इस लैके कि अगे जाती है, किस तरीके का कांग्रेस इसके उत्ते आने वाले दिनों च अपना रुख अख्तियार करती है। बिल्कुल, और की कुछ अगे रुख रहता है देखना अहम होएगा, लेकिन यह देश भर के विच प्रदर्शन हो रहे हैं और किते ना किते क्योंकि राहुल गांधी की जो तो पूछगिछ हुई थी हरप्रीत तक कई दिन तक कई कई घंटे तक हुई थी, हालांकि यह दूजी बार जो तो सोनिया गांधी को सद्या गया, इस तो पहला दो घंटे की पूछगिछ हुई थी, अजे विचकार क्या यह भी क्या ने कि अगां भी उन्होंने बुलाया जा सकता है पूछगिछ लई? देखो ईडी क्योंकि पूछगिछ कर रही, ईडी अपने वालों जोड़े कागजी कार्रवाई उसके आधार से काम करती, राहुल गांधी को भी जोड़े सवाल जवाब सन पूरे किए गए, राहुल गांधी को जिनी पूछगिछ थी जिन्ने दिन उन्होंने बुलाने की जरूरत भी बुलाया गया। सोनिया गांधी की क्योंकि तबियत खराब रही, उन्होंने तबियत नसाज है, पिछले जो उन्होंने कोरोना भी हो गया, इसको लेकर भी कांग्रेस इतराज जला रही है कि एक वरिष्ठ नागरिक ने सेहत नसाज रही, उसके बावजूद उन्होंने दफ्तर च बुलाया जा रहा है, लेकिन कानून अपना काम करेगा, बीजेपी लगातार यह गल कह रही है, उस से चलते पूछगिछ की जा रही है। अजे क्योंकि पूछगिछ चल रही है, मनिया जा रहा है कि थोड़ी देर तक पूछगिछ खत्म होगी, लंच का टाइम दिता जाएगा, उस तो बाद शाम होने तक यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि सोनिया गांधी अगों कदों बुलाया जाता है, कि कल बुलाया जाता है या उस तो अगे, क्योंकि पहला जी सोनिया गांधी की पूछगिछ की तरीक थी वो 25 तय हुई थी, लेकिन उस तो बाद आज की तरीक यानी कि 26 कर दिता गया। हुण आने वाला समा थोड़े देर तक यह साफ हो पाएगा कि सोनिया गांधी जो दोबारा पूछगिछ होएगी या अज ही पूछगिछ जी ईडी पूरी कर लेगा। जी जी, अपने शुक्रिया फिलहाल की जानकारी लिए। सो फिलहाल जिस तरह पूछगिछ जारी है, तकरीबन एक घंटा हो चुका है सोनिया गांधी जो तो ईडी सामने पेश होए, फिलहाल जड़ा है बवाल इस नू लेके कांग्रेसी वर्कर ते आगू जड़ा ने जरूर कर रहे हैं, केंद्र ते निशाना साध रहे हैं।